नमस्कार, मैं अरुणी कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है बिहार की बड़ी खबरों का। अरवल सहार पुल के समीप शुक्रवार की रात एक पिकअप चालक ने जांच से बचने के लिए उत्पाद विभाग की गाड़ी पर वाहन चढ़ा दिया, जिसमें पुलिस गाड़ी के निजी चालक की मौत हो गई जबकि दो जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद घायल जवानों को इलाज के लिए आनंद फानंद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, गया में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया है, जहां आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं घटना में शामिल दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तीसरी खबर की ओर चलते बता दें, बिहार के बेतिया में एक युवक ने अपनी माँ से मोबाइल खरीदने की जिद की, लेकिन उसकी माँ ने उसे मोबाइल नहीं दिया, जिसे लेकर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद महिला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल महिला ने संतान न होने पर 4 दिन के नवजात शिशु को खरीदा था, फिर उसे पाल पोस कर 18 वर्ष तक बड़ा किया था, लेकिन नव युवक ने मोबाइल लेने की जिद पूरी न होने पर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। चौथी खबर की ओर चलते बता दें, दरभंगा में एक महिला अपने पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही थी। मामला सामने आया तो कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक हैरान रह गए। अधिकारी ने फौरन केस दर्ज कर आरोपी महिला पर प्राथमिकता दर्ज कराने का आदेश दिया। घटना मणिकाक्षी प्रखंड के राधोपुर पूर्वी पंचायत के नजरा मोहम्मद गाँव की है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग पर अपना हक कायम रखा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री की जिम्मेदारी पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वित्त विभाग दिया गया है। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को बहुमत साबित करने में परेशानी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार ने 8 मंत्रियों को विभाग बांटते हुए सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग के साथ बाकी मंत्रियों से बचे विभागों को अपने पास रखा है। ऐसे ही बिहार की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे पब्लिकेशन न्यूज से। नमस्कार।